कांग्रेस पार्टी अपने 134वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये फ्लैग मार्च शहीद मार्ग स्मारक से शुरू हुआ है, जो कांग्रेस पीसीसी कार्यालय तक जाएगा। इस फ्लैग मार्च में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सचिन पायलट, तमाम मंत्रिमंडल इस मार्च में मौजूद है। हमारे पास कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। सर, फ्लैग मार्च को लेकर क्या? देखिए, माननीय सचिन पायलट साहब का ये निर्देश था कि पूरे राजस्थान के कोने कोने से आज कांग्रेस का जो वर्कर है वो यहाँ कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाने आया है। आज जिस प्रकार से संविधान पर हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आरएसएस जिस प्रकार से देश के अंदर राज चला रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, ये प्रण लेने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। शांति मार्च में भी आपने सीएए एनआरसी का विरोध किया, और इस फ्लैग मार्च से क्या सीएए एनआरसी को लेकर कांग्रेस कह रही है? देखिए, कांग्रेस का बहुत स्पष्ट मत है कि जो संविधान देश जिससे चलता है संविधान, उस संविधान की शपथ लेकर के हम लोग ये कसम खा रहे हैं कि देश को किसी भी हालत में नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और आरएसएस की जो नीति है, जो देश को चलाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर के इस देश के अंदर रह रहे, और उसी की कसम के लिए आज हम लोग यहाँ फ्लैग मार्च। लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस झूठ बटोर रही है जनता में। देखो, झूठ तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में बड़ा अंतर है, और वो उसी और इस देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज भी देश के अंदर जांबाजों की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर गांव-गांव के अंदर है, और उसने प्रण ले रखा है कि किसी भी हालत में संविधान को जो है मरने नहीं दिया जाएगा, संविधान को बचाया जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कांग्रेस का स्थापना दिवस पे फ्लैग मार्च जारी है। लगातार कांग्रेस का ये मार्च पैदल चल रहा है, जो पीसीसी कार्यालय तक जाएगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ का नारा दिया जा रहा है। एनआरसी और सीएए का मुद्दा इस वक्त कांग्रेस में छाया हुआ है। और आपको मैं बता दूं, सीएम अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान में सीएए किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। और इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस के फ्लैग मार्च लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस फ्लैग मार्च में मौजूद है। सीएम, डिप्टी सीएम, तमाम लोग इस फ्लैग मार्च में मौजूद है। मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर लगातार आगे बढ़ रहा है। पीसीसी कार्यालय तक ये मार्च जाएगा। इसमें नारे लगाए जा रहे हैं, संविधान बचाओ का नारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सीएए और एनआरसी को भी बड़ा मुद्दा इस वक्त बनाया गया है, और ये मार्च लगातार आगे बढ़ रहा है। पीसीसी कार्यालय पे ये मार्च पहुंचेगा, जहां जनसभा भी रखी गई है, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।